हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम गर्ग और ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास नाइन्थ की मैथ्स। एनसीईआरटी की ये बुक्स हैं, ये आप देख सकते हैं, और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें मैं चैप्टर वन नंबर सिस्टम से आपका स्टार्ट कर रहा हूँ और एक्सरसाइज 1.1, 2, 3, 4, 5 सब कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन। फिर भी किसी क्वेश्चन में ज्यादा सब पार्ट आते हैं तो उसमें मैं जो टिपिकल या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे वो आपको करा दूंगा और इजी के लिए आपसे बोल दूंगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे वीडियो में सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपको कोई भी इश्यू आता है प्लीज मुझे बताइएगा। मैं शॉर्ट से वीडियो के माध्यम से आपको एक एक क्वेश्चन सिंपल तरीके से कम टाइम में आपकी हेल्प करूंगा। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर दो तरीके के होते हैं जो इस दुनिया में बात की जाती है, या तो होंगे वो रियल नंबर या होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसे इमेजिनरी नंबर भी बोल देते हैं। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये रियल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम पढ़ेंगे सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम किसी स्केल पे लिख सकते हैं। स्केल पे एक जीरो होता है, इधर सारे नंबर पॉजिटिव होंगे और इधर जितने भी नंबर होंगे सब नेगेटिव होंगे। तो इनके बीच में भी कोई नंबर आ सकता है, जैसे 1.5, 2.6, कुछ भी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब नंबर स्केल जीरो से लेफ्ट में नेगेटिव और जीरो के राइट में पॉजिटिव। ठीक, रियल नंबर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो रैशनल नंबर होंगे या फिर वो इरेशनल नंबर होंगे। ये आपके पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रैशनल इरेशनल नंबर होते क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं और जहां पर क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई इसमें न्यूमिनेटर होगा, कोई डिनोमिनेटर होगा, लाइक 3/5, 2/7, 6। क्या ये रैशनल नंबर है? जी हाँ, हम 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6/1। तो यानी कि कोई भी इंटीजर भी रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक, तो अभी हम इसको दो पार्ट में फर्दर बांट सकते हैं, या तो वो इंटीजर होगा या फिर वो फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन जो आपने अभी देखे 2/7, ये सब इंटीजर, मतलब 1-3, ये सब रैशनल नंबर है। तो आप कहोगे सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं? फिर इरेशनल नंबर वो होते हैं जो NTNR होते हैं। NTNR, ये NTNR क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो वो कभी टर्मिनेट होंगे, ना कभी खत्म होंगे, ना ही रिपीट होंगे। कहीं कहीं नॉन रीअकरिंग लिखा जाता है, मतलब वही है कि ना तो वो खत्म होंगे और ना ही कभी आपस में पैटर्न रिपीट होगा। ठीक, जैसे पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14159 और ये चलती चली जाती है इन्फिनिटी तक, मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाली और ना ही आपको इसमें कोई डिजिट रिपीट होती है, कोई पैटर्न बनाता हुआ दिखाई देगी। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे √2, √3, √5 और ऐसे कई सारे रूट जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिनको बाहर निकाल के कंप्लीट नंबर नहीं लाया जा सकता। जैसे 16 है, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम बाहर निकाल के 4 बना सकते हैं। सेम 25 है, हम इसको 5 बना सकते हैं। तो ये सारे रैशनल नंबर में आ जाएंगे। और ये जितने भी रूट्स होते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के होते हैं वो सब इरेशनल नंबर में आ जाएंगे। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी था। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है क्या 0 एक रैशनल नंबर है और यहाँ पे क्यू 0 नहीं है। ठीक, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? जी हाँ, यस, 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे हम कोई भी नंबर लेंगे, 1, 2, 3, इवन 1000 तक भी, तो इसकी वैल्यू 0 ही आनी है। तो अगर वैल्यू 0 आएगी तो इसका मतलब क्या है कि एक रैशनल नंबर है। ठीक, मतलब इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है आप 0 के नीचे कुछ भी लो, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आपको 6 नंबर बताने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रैशनल नंबर बताने हैं। आगे जाकर आपको इरेशनल नंबर्स भी पूछे जाएंगे, बट फिलहाल के लिए आपको रैशनल नंबर सिखा रहे हैं। तो जितने भी पूछे उसमें आप 1 प्लस कर दीजिएगा, कितने? 1, 7। तो आप दोनों डिजिट में ऊपर नीचे उतने से डिवाइड कर देना। ठीक, ये कितना हो गया? 3 × 7 = 21, यानी 21/7, और ये 7 × 4 = 28, यानी 28/7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब आपको दिखने लगे होंगे 21 और 28 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, लिख दो 22, 23, 24, 25, 26, 27, और नीचे 7 आ जाएगा क्योंकि वो तो आना ही आना है, हमने खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल 6 नंबर आ गए हैं। तो ये तरीका होता है। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से होगा, हालांकि वो फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, बट नो मैटर दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 नंबर बताने हैं जो रैशनल हो। देखो कितने इजी तरीके से कर सकते हैं, कितने नंबर बताने हैं? 5 + 1 करके, यानी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड कर दो,
ठीक। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 6 18 18 बटे 30 और ये कितना 1 2 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा 6 6 24 यानी 24 बटे 30। इसमें भी आपको 5 नंबर दिख गए होंगे, 19 18 के बाद 20 21 22 23, देखो फिर 24 आ गया, 30 से सबको भाग कर दो, आ गया आपका आंसर, इजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th आ जाएगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, जिसमें पूछा गया ट्रू और फॉल्स, जैसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। ये सब इंटीजर के पार्ट होते हैं, बट सारे इंटीजर नेचुरल होल नंबर नहीं होते, क्योंकि वो नेगेटिव भी होते हैं। तो ये दोनों चीजें पॉजिटिव होती हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, और ये 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो इन्होंने पूछा है क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? जी हाँ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आएंगे, बट अगर वो इसका उल्टा पूछ लेता तो आंसर नो होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? यस, यानी ट्रू। ठीक, ट्रू लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? जी नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया, अब नंबर स्केल देखेंगे, 0 से इधर सारे नेगेटिव इंटीजर आते हैं तो वो तो होल नंबर नहीं है, होल नंबर तो इससे आगे के हैं। ठीक है, जैसे अब आप कहेंगे कि अगर मान लो 6/2 है, ये तो सर होल नंबर है। हाँ ये होल नंबर है, बट यहीं पे अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये तो नहीं होगा होल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, यानी नेगेटिव वाले सब होल नंबर में नहीं आते हैं, जबकि वो इंटीजर में आते हैं। तो एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। अगला क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं जैसे कि 2/5, ये तो बैठ जाएगा 0.4, तो क्या ये होल नंबर है? नहीं है। अगर ये 20 होता तो हो जाता, बट 2/5 तो नहीं होगा, तो इसका मतलब सारे रेशनल नंबर भी होल नंबर नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।